केटर चीज़ ऑमलेट पराठा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम डिलाइटफुल डिशेज में बनाने जा रहे हैं चेटर चीज़ ऑमलेट पराठा। चलें अब हम ये शुरू करते हैं। इसमें हम ले रहे हैं 2 अदद अंडे, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन और कटी हुई प्याज। अब इसमें जाएगा नमक, नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। चुटकी के बराबर हल्दी, 1/2 टेबल स्पून कुटी मिर्च, मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें, और 1/2 टेबल स्पून ही इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। चलें ये हमारा मिक्सचर तैयार है अंडों का, अब हम पराठे की तरफ चलते हैं। हमने नॉर्मल आटा ही ले लिया है इसमें, जो आम गुंदा हुआ होता है आटा। अब हम इसका बनाएंगे पराठा। चलें अब हमने ये बेल लिया है, अब हम इस पर लगाएंगे घी। हाथ की मदद से हम इस पर अच्छी तरह घी फैला लेंगे, अच्छी तरह पूरे पराठे पे लगा लेंगे हम इस पर घी। अब इस पर हम खुश्की डालते हैं। अब हम इसे छुरी की मदद से काट लेंगे इस तरह, ये देखें इस तरह हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। चलिए देखिए हमारा, हमने ये पेड़, अब हम इसको अच्छी तरह बेल लेते हैं। तवा हमने अपना गरम कर रखा था। ये देखिए हमारा पराठा एक साइड से सिक चुका है, अब हम इसे रख देते हैं। अब हम इस पर घी डालते हैं, इसे हम अच्छी तरह घी लगा लेते हैं। आप जिससे चाहें आपको मुनासिब लगे आप उससे, इस तरह हमने अपना घी लगा लिया। ये देखिए हमने जो अंडा तैयार कर रखा था, अब हम इसे इसके ऊपर डाल देते हैं इस तरह। इस तरह आप साइडों में घी डाल दें। देखिए हमारा पराठा अच्छी तरह सिक चुका है, अब हम इसमें रख देते हैं चेटर चीज़ की स्लाइस। ये देखिए हमने इस पर फोल्ड कर देते हैं। अब हम इसे 1 से 2 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे। ये देखें हमारा चेटर चीज़ ऑमलेट पराठा तैयार है, अब हम इसे तवे पे से उतार लेते हैं। जी तो आपको ये यकीनन ये बहुत अच्छी लगी होगी रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी में।